चलो आज गिल्ली डंडा खेलते हैं दोस्तों। गिल्ली डंडा बाद में खेलेंगे, पहले चल के चाट खाते हैं। क्या चिंटू, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना? सुबह सुबह चाट खाने से दिन अच्छा बीतता है। खेलना नहीं आता इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। चलो मैं खेल के दिखाता हूँ, ऐसा शॉट मारूंगा कि गिल्ली ही खो जाएगी, फिर तो चाट खाने चलोगे ना। आज बॉस को वीर के पूरे दिन भर की रिपोर्टिंग करूँगा, देखता हूँ वीर दिन भर क्या क्या करता है। अकड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सॉरी, गलती हो गई। तुम लोग पार्टी करो, मैं चला। ये तो जादूगर है, जादूगर है वो। इसमें गाजर तो नहीं? ये क्या तरीका है मेरे सामने आने का? बॉस बॉस, वीर का जादू दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, जादू का वीर दोस्त है। क्या बक रहे हो? बॉस बॉस, वीर जादू, जादू वीर दोस्त, जादू नहीं दोस्त वीर। बंद करो ये उलझुल बातें। एक मिनट बॉस, एक मिनट, एक मिनट, मैं सांस ले लूं। हाँ अब ठीक है बॉस, वीर का दोस्त चिंटू जादूगर है। वो गायब हो जाता है फिर वापस आ जाता है, जादू से कुछ भी कर देता है वो बॉस, इसीलिए आज तक हम वीर को नहीं हरा पाए हैं बॉस। अगर ये सच है तो जाओ उस दोस्त की कमजोरी पता करो, एक बार वो दोस्त हमारे कब्जे में आ गया तो हम वीर को आसानी से खत्म कर देंगे। या! उसकी कमजोरी चाट है बॉस, वो चाट के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया जन्म ले रहा है। I'm madly, madly genius. You're genius, boss. Ugly, madly genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये ugly, madly क्या है, boss? ये ugly, madly क्या है? Hey, बच्चों, आओ, आओ, आ जाओ. खूब सस्ती चाट खाओ और ध्यान से सुनो, अगर कोई रोबो बॉय का दोस्त है तो उसे फ्री चाट मिलेगी, फ्री चाट। आओ जल्दी आओ। मैं हूँ रोबो बॉय का दोस्त, मेरा नाम झिंटू है, वो मेरा पक्का दोस्त है। तुम रोबो बॉय के दोस्त हो? सच? तुम कितने लकी हो झिंटू। चलो झिंटू बाबा को खूब चाट खिलाओ, जल्दी जल्दी। सुना है रोबो बॉय के पास हर तरह की फाइट के लिए अलग अलग 7 तरह के सूट है, और लोग कहते हैं वो चाहे तो 7 रूप में एक साथ भी आ सकता है। मेरा दोस्त 7 अलग अलग सूट में भी आ सकता है, वो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ओह, अगर तुम उसे यहाँ कुछ देर के लिए एक साथ 7 रूप में बुला दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त चाट खिलाऊंगा। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं 7 के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उन्हें चाट खिलाऊंगा। प्लीज 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 अपने दोस्त को बुला लो। कुछ देर की ही बात है, मैं जादू से वीर के साथ क्लोन्स बना देता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा और मुझे जिंदगी भर मुफ्त में चाट भी खिलाएगा। इसकी चाट कितनी टेस्टी है। दरअसल वो 7 रूप में यहाँ आने ही वाला है, उसने मुझसे यहाँ मिलने को कहा था, देखो वो आता ही होगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर के क्लोन्स अलग अलग 7 सूट में एक साथ पेड़ के पीछे से निकल के यहाँ आ जाए। ओह नो, नो, ओह, आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। जिंटू बाबा, जिंदगी भर तुम यहाँ फ्री चाट खाओ,
और मैं इनके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लूं। अच्छा लो चाट खाओ, चाट बहुत टेस्टी है। चिंटू बाबा, ये तो मेरी बात मान नहीं रहे। इनसे कहो मेरी हर बात माने, कुछ देर की ही तो बात है। मैं जो कहूं वो ये करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे दोस्तों, इनकी सब बात मानो, ये जो कहे वो करो। ओके, जैसा तुम कहो। तुम सब मेरे साथ आओ, हम फोटो सेशन करेंगे। जिंटू बाबा तुम चाट खाओ, हम आते हैं। तुम सब मेरी हर बात मानोगे? हम सब आपकी हर बात मानेंगे। गुड। अब सुनो, ये हमारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा फेस लिया हुआ है और सबको तंग करता है। तुम्हें इसे खत्म करना है। इसे खत्म करना है। शो मी द एंगर। गुस्सा जिसे देख के ही वो डर जाए। वो बहरूपिया है, तुम जैसे किसी के भी रूप में आ सकता है। ये एम का लोगो तुम्हें एक दूसरे को पहचानने में मदद करेगा। जाओ और फुर्सतगंज में इसे ढूंढ के खत्म कर दो। कैसे हो सकता है, मेरे ही सात रूप वो भी एक साथ? ओह, सात सात रूपो बॉय, मैं तो सबके ऑटोग्राफ लूंगा। एक ऑटोग्राफ प्लीज, एक ऑटोग्राफ। अरे रूपो बॉय आया है। अरे मुझे जाने दो आगे। इमली चिल्बुल भागो, ये मेरे लिए ही आए हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। चिल्बुल, तुम चिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी के पास जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा, वीर के सात रूप एक साथ कैसे आ सकते हैं? वीर को छोड़ दो और उस कार को हवा में उठा लो। वीर उनकी जान बचाने के लिए खुद ब खुद आ जाएगा। कहाँ हो वीर, सामने आओ। देखो ये लोग कितना रो रहे हैं। तुम लोग अपने रोबो बॉय को बुलाओ, देखें आज वो आता है कि नहीं। वो जरूर आएगा, उसका अंत यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। आज वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रोबो बॉय जरूर आएगा, देखना वो आएगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। रोबो बॉय जरूर आएगा माँ, विश्वास रखो। बस बहुत हो गया रोबो बॉय, मैं तीन तक गिनूंगा। तुम बाहर नहीं आए तो ये कार छोड़ दी जाएगी। एक दो। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। पापा, इसके सामने प्लीड मत करो, हैव फेथ, रोबो बॉय जरूर आएगा। रोबो बॉय, आखिरी मौका है, दो गिन चुका हूँ और बाकी है तीन। रुक जाओ, उनको
तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उनसे नहीं। नहीं वीर, नहीं। ये रोबो बॉय। बच्चों, तुम लोग सही कह रहे थे। रोबो बॉय आ तो गया है, लेकिन अब जाएगा नहीं। मेरे दोस्तों, इस बार बचने ना पाए। जल्दी वहां से निकल जाओ वीर। रेंज में कोई एलियन प्लैनेट आ रहा है, चलो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हमारा मेहमान है और मेहमान को परेशान नहीं करते। मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। ओए वाह, तुम तो हमारी भाषा भी जानते हो। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पर तुम डॉगीज के बीच कैसे फंस गए? हमें यहाँ से किसी ने मैसेज भेजा था, हम उसी को फॉलो करते हुए धरती पर आए हैं। इन डॉगीज से बचते बचाते मेरा रिमोट टूट गया, अब मैं अपने प्लैनेट पर कभी वापस नहीं जा सकता। तुम अपने प्लैनेट पर जरूर जाओगे दोस्त, लेकिन कैसे ये अभी कुछ नहीं पता। डॉगी नहीं मेरे दोस्त, ये तुम ही हो। ओए पुतीजे, एलियन तो बेचारा डरेगा ही, बिल्कुल असली पप्पी लग रहा है। चाचू, सबकी नजर से बचाने के लिए यही गेटअप देना सही था, अब इसे कोई नहीं पहचानेगा और ये आराम से हमारे साथ रहेगा। तब तक खोजी अंकल को अपना सुपर कंप्यूटर रिपेयर करने का टाइम भी मिल जाएगा। हाँ भतीजे, और जैसे ही सुपर कंप्यूटर रिपेयर होता है, हम लोग फौरन एलियन के प्लैनेट पर सिग्नल भेज देंगे। ओए भतीजे, इस एलियन के साथ कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, ये एलियन नहीं, ये तो पप्पी है। मैं उस पप्पी की नहीं, तुम्हारे पीछे जो एलियन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो मेरे चाचू को फुटबॉल मार दी और ऊपर से उनका मजाक उड़ाते हो। फुटबॉल हमने थोड़ी मारी है, तुम्हारा चाचा ही हमारे फुटबॉल के रास्ते में आ गया। अच्छा, एक तो सड़क पर फुटबॉल खेलते हो, ऊपर से दांत निकालते हो। खेलना है तो जाकर मैदान में खेलो। लेकिन कोई हमारे साथ फुटबॉल खेलता ही नहीं, सब डरते हैं। तुम मैच खेलोगे? बोलो है हिम्मत? नहीं। वो खेलना है पतीजे, और इनको फुटबॉल मैच में हराना भी है। तो देर किस बात की,
हो जाए दो दो हाथ। रुको, मैं अपनी टीम को इकट्ठा करता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये चीटिंग है, तुमने मुझे लात से गिराया था। खेल और जंग में सब चलता है। भैंस की पूछ, और खेल में भी चोरी चकारी के फंडे अपनाते हो? भूल गए के कानून के हाथ और बंदूक ने की लात से कोई ना बच सके। बंदूक ने जी लात मारनी है तो फुटबॉल को मारो और गोल करके दिखाओ। फालतू के डायलॉग मत सुनाओ। चीटिंग करते हो, अभी सिखाता हूँ तुम्हें सबक। ये अब तक का सबसे शानदार गोल जो भतीजे ने किया है। ओए बल्ले। छोड़, मैच पे फोकस कर। मैच हमें ही जीतना है, ये हम चोर डाकुओं की इज्जत का सवाल है। ले भतीजे। साथ ही चाचा भतीजे की टीम ने यह फुटबॉल मैच जीत लिया है। ओ भतीजे, मन्ने तो यो मैजिक समझ ही नहीं आया। लंबी कहानी है बंदूकनी जी, शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये एलियन की पावर थी, और ये साथ खड़ा पप्पी नहीं एलियन है जो डॉग से डरता है। अब आएगा मजा। भतीजे, लगता है एलियन प्लैनेट सिग्नल की रेंज में नहीं है। उस दिन जब सिग्नल गए तब एलियन प्लैनेट यहाँ इस जगह पर दिख रहा था। खोजी अंकल, और उस दिन टाइम क्या था? शाम के 8 बजे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 8 बजे एलियन प्लैनेट फिर इसी जगह से गुजरेगा, और 8 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। और उन 15 मिनट में हो सकता है 1, 2 का 4, 5। यानी एलियन को ले जाएंगे हम, और देखते रह जाओगे चाचा भतीजे तुम। तुम मेरे दोस्त को कभी नहीं ले जा सकते। सब लोग मिलकर एलियन को पकड़ने यहीं आ रहे हैं। हम आ चुके हैं बहादुर सिंह। खोजी अंकल, इन डॉगीज को बाहर निकालने का जल्दी से कोई उपाय कीजिए। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। Thank you.
थैंक यू दोस्त। दोस्त कहा है तो थैंक यू किस बात का, लेकिन हो सके तो इन लोगों के दिमाग में तुम्हारे बारे में जो भी बातें हैं उन्हें मिटा दो ताकि किसी को कुछ पता ना चले। छोड़ो जल्दी छोड़ो। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों वही चाचा? ओए हाँ भतीजा। चिच्चे हम यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं, कोई तो काम था। और मैं कौन हूँ भाई साहब, क्या कोई मुझे मेरा एड्रेस बताएगा?